हेलो चंदू। हाँ जी। मैंने तो यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिस खोला है, तू इधर लोटा लेके मत बैठ जाना। ये लोटा नहीं है, ये मेरी रोजी रोटी है, चाय की केतली है ये। शट अप। और ये जो मेरा ऑफिस है, ये मेरा ब्रेड जैम है, मैं तेरे को भी खाने को दे सकता हूँ अगर तू मेरा साथ दे तो। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, फटाफट जाके सिक्योरिटी वाले की वर्दी पहन के आ जा, मैं तेरे को एक दिन का 10,000 रुपए दूंगा। आप क्या सोचते हैं कि 10,000 रुपए देकर आप मुझे खरीद लेंगे? हाँ, आप फिर बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, मैं अभी आया वर्दी पहन के। कैसे कैसे लोग हैं, मेरी बातों में आ जाते हैं। ये तो कुछ भी नहीं, मैंने कल पेपर में इश्तेहार दिया कि आपके यहाँ वर्ल्ड की नंबर 1 टॉप क्लास सिक्योरिटी एजेंसी खुल गई। आज एक हीरे का व्यापारी ना मेरे से सिक्योरिटी लेने आ रहा है। अरे भाई, ये ठोको सिक्योरिटी एजेंसी है ये? नहीं नहीं, आपको पहले ठोकेंगे ना, फिर आपको पता चलेगा। हेलो डार्लिंग। हेलो। क्या कर रहे हैं? ये हमारा सिक्योरिटी चेक करने का तरीका, हम चेक करते हैं गले लगा के कि कोई कोई हथियार तो छुपा के नहीं लाया। अरे ये तो बड़ा न्यू स्टाइल है, एक बार फिर से करो। हाँ जी आइए। अरे आप मुझे गले लगा के चेक क्यों नहीं कर रहे? लग तो जाऊं, आपका गला है कहाँ? वैसे ये बात भी सही है, क्या है कि भाई हम हीरे के इतने बड़े व्यापारी, हम गला रखते ही नहीं है, चाहे कब कौन कहाँ हमारा गला दबा दे, इसे अवॉइड कर दिया। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको पता है मैंने तो शादी के लिए वरमाला भी इनके गले पे नहीं गले पे डाली थी। वो तो आपको देख के लग रहा है, आपने इनका गला देख के इनकी शादी की है। आपके गले में तो काफी पैसे होंगे फिर। पैसे नहीं, हीरे, डायमंड्स, हीरे, हीरे। उन्हीं डायमंड्स की सिक्योरिटी के लिए हम आपके पास आए हैं। यहाँ पे मैडम वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी है, यहाँ हाथी भी सूंड नहीं मार सकता। अरे हाथी नहीं होता, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। परिंदा इन पे सूट करता है, पहले देखो आप। देखिए भाई साहब, मुझ पर क्या सूट करता है क्या नहीं सूट करता, ये मेरी बीवी डिसाइड करेगी। बीवी क्या डिसाइड करेगी, अपने पति तो डिसाइड नहीं कर पाई वो। ढंका बीवी डिसाइड करेगी। जस्ट शट अप प्लीज, अपन में काम से काम रखिए, हमें जल्द से बताइए सिक्योरिटी दे सकते हैं या नहीं, क्योंकि हमें हनीमून की टिकट्स भी बुक करवाने हैं। हनीमून पे सिक्योरिटी की क्या जरूरत? ओह क्या है कि इनका एक बॉयफ्रेंड है, उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं इन्हें हनीमून पर लेकर गया तो वो वहां आकर ठाओ मुझे गोली मार देगा। ओह माय गॉड। तो अभी काम करो, आप हनीमून पे बैंकॉक निकलो, मैं इनको लेके मलेशिया निकलता हूँ। दुश्मन को कानो कान खबर नहीं आएगी, आपका हनीमून भी हो जाएगा। क्या बोलते हो? पर अगर यही मेरे साथ नहीं होगी तो मेरा हनीमून कैसे होगा? भाई देखो, पढ़ाई लिखाई चाहे अलग अलग स्कूल से करो, लेकिन पढ़े लिखे दोनों गिने जाओगे। एक्सक्यूज मी, आप अपनी सिक्योरिटी से मतलब रखिए, आप हमें सिक्योरिटी दे सकते हैं या नहीं, या फिर हम कहीं और जाएं? एक मिनट, मैं भी इनका सिक्योरिटी चेक करता हूं। देखिए आपके पेट में गैस तो नहीं है? क्या बेकार की बात कर रहे हैं, क्यों गैस? अरे इसमें जो बैटरी डलती है ना वो पेट्रोल वाली है, आग पकड़ लेगी। अरे, अरे मैं क्या CNG पर चलता हूं? जी बात कर रहे हैं आप। आइए मैडम, आपको भी चेक कर लेता हूँ, आइए इधर आइए लेडीज। अच्छा हनीमून पे जेंट्स के साथ जा रही हो और लेडीज सिक्योरिटी तुम्हें चाहिए? चलो चुपचाप आइए, चलिए। देखिए कोई पराया मर्द मेरी क्या है? कोई पराया मर्द मेरी बीवी को इस तरह देखे बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। आपको CCTV कैमरा दे रहा हूँ, आप ध्यान रखिए कोई पराया मर्द तो नहीं आ रहा ना। चलिए आइए, चलिए 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 चलिए। ओह माय गॉड। ओए अरे अरे ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं। क्या हो क्या रहा है पीछे? अरे अरे सुनिए सुनिए, अरे भाई साहब। ओह माय गॉड, ओहो क्या कर, कुछ भी नहीं निकला यार। देखिए आपकी सिक्योरिटी में मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। दाल में कुछ काला नहीं लगता था, हमारी सिक्योरिटी दाल खाती नहीं है, हमारी सिक्योरिटी दारू पीती है, इसलिए टाइट सिक्योरिटी है। दारू? देखिए आप फालतू की बातें मत बनाइए, सिक्योरिटी दिखाइए अपनी। ओ माय गॉड, चलिए इधर आइए, इस मशीन के अंदर चलिए। चलिए इससे बम का पता चल जाएगा। अरे लेकिन मेरे अंदर बम कहाँ है? आदमी जब बहुत ज्यादा खा खा के पागल होता है ना, पेट फट भी सकता है। चलिए अंदर, चलिए चलिए। जा जा शोनो, जा जा रहे जा रहे। चलिए घुस जाओ घुस जाओ घुस जाओ, सर दे दो अंदर, शाबाश। देखिए जब तक आपके सांड का स्कैन हो रहा है
आप मेरे लिए कोई गाना गा सकती हैं? अरे जरूर, मुझे तो गाने का बहुत शौक है। ओके, मैं लाइट चेंज कराता हूँ। लाइट चेंज। मैं यहाँ इस मशीन में फंसा जा रहा हूँ और तुम यहाँ पर डांस कर रही हो। निकलो निकलो बाहर। आपको शर्म आनी चाहिए, इनका टैलेंट बाहर आ रहा है और आपसे मशीन से बाहर नहीं आ जा रहा। देखिए आप इस बात को समझिए, आपके इस मशीन में सामान की जांच होती है और मैं एक इंसान हूँ, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मतलब मुझे बॉडी गार्ड चाहिए। बॉडी गार्ड चाहिए? सिक्योरिटी सुपरिटेंडेंट कमांडर इन चीफ लेफ्ट नर कॉर्नर चंदन। माय गॉड, इतनी बड़ी पोस्ट वाले इंसान को आपने गार्ड रखा है? नहीं नहीं, हमने तो इनको सिर्फ वर्दी दी है, पोस्ट इन्होंने खुद रखी है। मुझे लगता है कि बरसों की बेरोजगारी से भरा पड़ा है आदमी, इसलिए मौका मिलता ही एक साथ सारी पोस्ट बता दी। अच्छा, मेरी चार पोस्टें आपको भारी लग रही हैं, आपने जो आठ पेट रखे हैं, मैंने कुछ कहा? Excuse me, तुम कौन होते मेरे पति के बारे में ऐसे बोलने के लिए? कौन होते हो तुम? ये बताओ, एज सिक्योरिटी गार्ड तुम क्या क्या कर सकते हो? मैं कुत्ते से तेज भाग सकता हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग, कुत्ते से तेज भाग सकते हो, कैसे? जब वो पीछे पड़ेगा तो तेज ही भागना पड़ेगा, नहीं तो वो गार्ड नहीं लेगा। अच्छा, इसका मतलब तुम कुत्ते से डरते हो? रुको रुको, मेरी बात सुनो, मैं कुत्ता बनकर काट के भी दिखा सकता हूँ। What? Oh my God. That's so interesting, Shona. इसे हनीमून पे साथ लेके जाएंगे, please. आप हुक्म करो तो थोड़ा काट के बताऊं। नहीं नहीं नहीं, कोई हरकत ये इंसानों वाली भी करते हैं कि नहीं? ये सामान उठा लेता है, लेकिन एक बात याद रखना, जब आप इसको सामान उठाएंगे ना, इसके कमर में ऐसे पट्टी बांध देना और अपने कमर में बांध लेना, नहीं तो भाग जाता है। सामान चोरी करके भाग जाता है, तो आपने सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर चोर रखा हुआ है? चोर नहीं रखा यार, ये स्पोर्ट्स कोटे में भर्ती हुआ है। देखिए जो भी है, मेरी बीवी खूबसूरत है, ये चोर चपाटे टाइप के लोग मैं नहीं रख सकता, आप इसे हटाइए यहाँ से। जाओ यार, जाके चाय बनाओ, तुमसे तो ये काम भी नहीं होता, चलो दफा हो जाओ, चलो भागो यहाँ से। यार सोना, मुझे लगता है हमारा ना ग्रह खराब है, हमें कोई अच्छी सिक्योरिटी मिल ही नहीं रही है, चलो कहीं और ट्राई करते हैं। मुझे लगता है आपकी बीवी ठीक कह रही है, आपको और आपके दो जोड़ी पति को नजर लग चुकी है। मैं कहता हूँ हमारे पास नजर लगने वाली सिक्योरिटी भी है, हम आपको वो दे सकते हैं। अच्छा, प्लीज बताइए ना कहाँ है वो। मैं अभी बुलाता हूँ, रुक जाइए। हाय, आई एम तांत्रिक कम डॉक्टर कम मिश्र कम गुलाटी ज्यादा बीपी AKSI, मतलब भूत प्रेतों का शर्त या इलाज। अरे ये क्या भूत करेगा, ये तो खुद किसी के ऊपर से उतर के लग रहा है। बहुत अच्छी बात कही है। इनके ऊपर हनीमून का भूत चढ़ा हुआ है। हनीमून का भूत तो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ये भूत छोड़ो मेरे पति को। जितना मौसम खराब होता है हनीमून के भूत को उतना ज्यादा मजा आता है। ये भूत तो उतारना ही होगा। बेटा, किसके साथ हनीमून दिखाई देता है? किसके साथ क्या दिखाई देता है, मेरी बीवी है, उसके साथ ही दिखाई देता है। देखो कितना खतरनाक भूत है, अपने घर की बीवी के साथ हनीमून मनाना चाहता है। चल बाहर निकल। कहाँ से बाहर निकलूं? बाहर निकल, बाहर निकल, रास्ता नहीं पता मुझे पर तुझे निकलना होगा। बाहर निकल, बाहर निकल। क्या 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 मुझे निकलना क्या है? मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। बाबा प्लीज बताइए ना, इनकी जान बचाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई उपाय? जितने भी तुम्हारी जेब में हीरे सारे हमें निकाल के दे दो, हमारी जान बच जाएगी। हीरे यहाँ पर नहीं है, मैं घर जाकर लेकर आता हूँ, चाहिए तो। ठीक है, फिर अपना सामान इधर छोड़ के जाओ। मतलब इनको इधर ही छोड़ के जाओ। मुझे? आपने क्या मुझे किडनैप थोड़ी ना किया है, मैं यहाँ पर सिक्योरिटी लेने आया हूँ, चलो यहाँ से चलो। सिक्योरिटी फीस के पैसे दो। सिक्योरिटी फीस के पैसे? लेकिन हमने आपसे सिक्योरिटी ली कहाँ? लेकिन हमने दी तो चलिए ना। इसे घेरो। अरे अरे मैं इसे घेरता हूँ। ये क्या तरीका है? देखिए हमें हम सिक्योरिटी लेने आए थे, ये ए, 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 ऐसे निकालो। चपो, तुम इसे पकड़ो, मैं इसकी बीवी को घेरता हूँ। भूत निकालना होगा, मुझे भूत निकालना पड़ेगा। भूत है, देखो भूत का डंडा पकड़ा हुआ है, ये देखो। निकल बाहर, निकल भूत,
Oh, come on, come on. ये तो सच्ची में भूत आ रहा है। दोनों गए। चलो अब हम भी चले। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट न्यू कपिल शर्मा एंड अदर फन शो वीडियो अपडेट्स।